देगा ना वो उससे आ रहा है, एक ही आउटलेट एयर कंप्रेसर आता है, ये एयर कंप्रेसर से हम लोग दो आउटलेट का पानी पाइप डाला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ये एक इंच पानी है, पानी आता है, पानी कैसे निकल रहा है आप लोग देखेगा, ये स्टार्टिंग में ऐसे शुरू होता है, ये बाद में हम लोग को देखेगा ये पानी का साथ एयर मिक्स होके आएगा। अभी एयर प्रेशर पंप होना चालू हो गया। किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप सभी का किसान फार्मिंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको भारत की पहली ऐसी तकनीक दिखाएंगे जो धरती के ऊपर रह के समरसेबिल नीचे से पानी उठाता है, यानी ये तकनीक जो है ज़मीन के ऊपर रखी रहेगी और पानी जो है ज़मीन के नीचे से उठाएगी। तो इस कंपनी के बारे में जानेंगे और कैसे ये ज़मीन के नीचे से पानी उठाता है मोटर, उसके बारे में जानेंगे। तो सर सबसे पहले एक बार अपना परिचय कराइएगा आप। वो देखो आप लोग हमारा कंपनी सोचना, हमारा कंपनी सेल्कान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हम लोग का लगा हुआ है कोयम्बतूर का आसपास में ईरोड डिस्ट्रिक्ट, मतलब ईरोड से 20 किलोमीटर में हमारा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग चलता है। आपने जो सर ये तकनीक बनाई एक समरसेबिल यानी ज़मीन के ऊपर रह के ज़मीन के नीचे से पानी उठाता है, तो क्या ये तकनीक है और किसान इसको क्यों खरीदे? अब देखो पहले मैं बोल देता हूँ, एक चीज़ नहीं है वो तो ज़्यादा चीज़ है, लेकिन ये मैं एक एक चीज़ ज़रूर चीज़ बता दूंगा। अब लोग ये सबमर्सिबल जाता तो वो सबमर्सिबल पानी का अंदर डालता है, जो पानी का अंदर डालेगा एक बोरवेल में एक कपलिंग का एक मोटर का पानी निकाल सकता है उसमें, मतलब आप सोचिएगा ज़्यादा बड़ा पाइप डालना पड़ेगा। लेकिन हमारा में क्या होता है पूरा ज़मीन का ऊपर रखता है, काली वाटर वॉश, एयर वॉश और फुटवॉल, ये तीन चीज़ें पानी का अंदर जाता है। जब ये तीन चीज़ पानी का अंदर है आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होने के लिए चांसेस बहुत ही कम है। अभी आसानी से आप लोग पानी निकाल सकता है, मोटर और कंप्रेसर बाहर है, आप लोग लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो वो बाहर से इमीडिएटली देख सकता है और प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकता है, इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप लोग सोचता है सबमर्सिबल में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया आप लोग वो रस्सी डालेगा वो ऊपर से खींचेगा, आप लोग का 5,000 खर्चा होता है, वो इसमें से वो प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। और आपसे इसमें क्या एडवांटेज होता था, आप लोग को छोटा नासिल चाहिए आपको क्या एक इंच चाहिए और 2 इंच चाहिए 1.5 इंच चाहिए इसमें डाल सकता है, लेकिन सबमर्सिबल में ऐसे नहीं रहता। सबमर्सिबल में जब भी वो बड़ा होस मतलब 1.5 इंच 2 इंच का ऊपर ये डाल सकता है, लेकिन हमारा में पानी ज़्यादा चाहिए छोटा होस 3 होस भी डाल सकता है 2 होस भी डाल सकता है, आपको कितना पानी चाहिए उसका हिसाब से डाल के चला सकता है। ये हमारे लिए सबसे फ़ायदा होता है फार्मर के लिए, उन लोग बहुत आराम से कम पैसा में और बहुत ज़्यादा पानी निकाल सकता है। तो किसान भाई सेल्कान कंपनी का ये एयर पंप किस तरह से काम करता है इसको अभी आपको दिखाते हैं ज़मीन पे चल के। अभी आप लोग देख रहे हैं ये बोरवेल है, इसका 500 फीट बोरवेल है, इसमें अंदर जो एयर प्रेशर देख रहा है सिंगल एयर प्रेशर है, इसका मोटर और कंप्रेसर को आप देखा ना वो उससे आ रहा है, एक ही आउटलेट एयर कंप्रेसर आता है, ये एयर कंप्रेसर से हम लोग दो आउटलेट का पानी पाइप डाला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ये एक इंच पानी है पाइप का लगा हुआ है, उसमें आप लोग एक ही मोटर और एक ही कंप्रेसर में ज़्यादा पानी निकालने के लिए दो आउटलेट का पाइप डाला हुआ है। ये आप लोग देखेगा इधर पानी आता है, पानी कैसे निकल रहा है आप लोग देखेगा, ये स्टार्टिंग में ऐसे शुरू होता है, ये बाद में हम लोग को देखेगा ये पानी का साथ एयर मिक्स होके आएगा। अभी एयर प्रेशर पंप होना चालू हो गया। अभी हमारा सेल्कान एयर कंप्रेसर से खाली हमको एक ही कंप्रेसर लोग में वो पानी का साथ एयर मिक्स होके आता है, दूसरा वाला कंप्रेसर में वो पानी अलग से एयर अलग से आता है, इसमें एयर मिक्स होते आता है, आप लोग ये बबल को देख सकता है ये पानी का अंदर एयर मिक्स है। और इसमें एडवांटेज क्या है आप लोग का, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नेचुरल बारिश में क्या मिलता है, हमारा एयर प्रेशर मिक्स होके आने से हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिक्स होके नेचुरल एनर्जी बारिश में क्या मिलता है, ये पानी में भी आप लोग का वो एनर्जी मिलेगा, इसलिए आप लोग 10% क्रॉप रेट इंक्रीज होता है। इसमें चीज़ अच्छा चीज़ क्या है, आप लोग एक मोटर और एक कंप्रेसर में ज़्यादा पानी निकलता है वो वाला अभी आप लोग देख रहा है, अभी आप लोग देख रहे हैं ये ड्रिप को जाने के लिए ये स्पेशल सिस्टम बनाया, थोड़ा बहुत ये पुराना मॉडल है, लेकिन इसमें देखो आप कंप्रेसर और मोटर और ड्रिप पंप एक ही सेटअप में एक ही बेड में लगा हुआ है। ये टैंक है ना इधर आप लोग देख रहे हैं काला वाला टैंक है, ये टैंक के अंदर पानी जाएगा, ये पानी टैंक से ड्रिप पंप को जाएगा, ये वाला ड्रिप पंप है, ये कंप्रेसर बोरवेल से पानी निकाल के टैंक में डालेगा और टैंक से ड्रिप पंप से पानी निकाल के आपको ड्रिप को जाएगा, इसलिए आपको यह सिस्टम बनाया, मतलब एक ही सिस्टम में आपको ड्रिप का पूरा सेटअप हो गया। लोग अभी देख रहे हैं ये ऑयल इंजन कंप्रेसर है, ऑयल इंजन कंप्रेसर में हम लोग
एक ही कंप्रेसर में और दो कंप्रेसर को चला के टोटल तीन कंप्रेसर में 6 बोरवेल को पानी आराम से निकाल सकता है। ये कंप्रेसर है ना, ये नॉर्मल कंप्रेसर से, ये ऑयल इंजन कंप्रेसर, इसका बेयरिंग बड़ा बेयरिंग आता है, ये बेयरिंग 30 साल तक इसका लाइफ मिलता है। लेकिन ये कंप्रेसर में हम लोग 3 साल 4 साल में बेयरिंग चेंज करना पड़ेगा। ये बेयरिंग इतना बड़ा बेयरिंग है इसलिए हम लोग को ज़्यादा लाइफ मिलता है, और ये कंप्रेसर से 3 गुना 4 गुना इसमें ज़्यादा एयर प्रेशर मिल जाता है। इसलिए आप लोग 700 और 700-800 फीट तक आराम से पानी 6 बोरवेल को निकाल सकता है। सपोज़ आप लोग का 1000 फीट का पानी निकालना है, एक कंप्रेसर में 1 बोरवेल, दूसरा कंप्रेसर में दूसरा बोरवेल, 3 कंप्रेसर मिला के 3000 फीट बोरवेल को पानी निकाल सकता है। लेकिन आप छोटा बोरवेल रहता तो 6 और 8 बोर को एक साथ पानी निकाल सकता है। आपको करंट आता है एक ही मोटर का, आपको खर्चा एक ही मोटर है, एक ही मोटर का सप्लाई में 6 बोरवेल 7 बोरवेल 8 बोरवेल भी चला सकता है। इसलिए ये पुराना मॉडल कंप्रेसर है और एक फ्लाईव्हील लगा हुआ है। ये फ्लाईव्हील और इनके साथ मिला के ये बेल्ट ड्राइव होता है, ये ड्राइव से और दूसरा 2 कंप्रेसर को ड्राइव लेता है। आप लोग को पूरा ये 3 कंप्रेसर 4 कंप्रेसर और 5 कंप्रेसर लगाने के जगह में एक ही ऑयल इंजन कंप्रेसर लगा के आप लोग 8 बोरवेल में पानी निकालते हैं। ये आप लोग को बहुत सस्ता भी पड़ेगा, लाइफ टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, आपको 30 साल इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आराम से एक बार इंस्टॉलेशन कर दिया, पानी निकाल दो, बस हो गया। आप लोग पहले देखा या वो 3 कंप्रेसर लगा हुआ है, उसमें एक ऑयल इंजन कंप्रेसर और 2 कंप्रेसर लगा हुआ है। ये तो 6 बोरवेल 8 बोरवेल चलाने के लिए ऐसे वाला सिस्टम चलता है। अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें एक कंप्रेसर लगा हुआ है, एक ऑयल इंजन कंप्रेसर लगा हुआ है। कल ही आपको 2 बोरवेल बड़ा वाला 1000 फीट और 1500 फीट और छोटा वाला 700-500 फीट चलाने के लिए 4 बोरवेल चला सकता है। इसलिए हमारा पास वो वाला सिस्टम एक है, ये वाला सिस्टम एक है। ऐसे भी आप लोग चाहिए ऐसे भी बना के दे सकता है। आप लोग सोचता है 8 बोरवेल के लिए भी बनाएगा, ऐसे नहीं है। आप लोग को 2 बोरवेल को चाहिए भी, ऐसे वाला सिस्टम हमारा पास है, वो भी आप लोग बना के देगा। अभी आप लोग का देख रहा है ये सिलिकॉन कंपनी का एयर पाइप और वाटर पाइप, हमारा खुद का कंपनी का ये पाइप बनता है। ये पाइप में क्या होता है, ये आप लोग देख रहे ना, इसमें अंदर ये वाइट कलर कोटेड रहता है, ये सिलिकॉन कोटेड है। ये क्या होता है ना, वो पानी में एयर मिक्स होके आता है, इसलिए कार्बोनेट जनरेट होके साल्ट फॉर्मेशन होता है। वो साल्ट फॉर्मेशन होने के बाद आप लोग को पाइप जल्दी ख़राब हो जाता है। वो फार्मर लोग को पाइप खरीद लिया एक बार और दो बार, कितना एक साल में इसमें ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग ये नया सिस्टम बनाया, इससे आप लोग का 5 साल 10 साल भी ये पाइप ख़राब नहीं होता है। कोई कोई दुकान में आप लोग पाइप सस्ता में मिल रहा बोल के उधर इधर जाके खरीदता है, बाद में बोलता है सर मैं अभी पाइप खरीदा, 6 महीना में ख़राब हो गया, साल्ट फॉर्मेशन हो गया, 1 साल में ख़राब हो गया, ऐसे बोलता है। इसलिए हम लोग अच्छा से देख लो, ये सिलिकॉन कंपनी नाम लिखा हुआ है, अंदर ऐसे वाइट कोटेड होना चाहिए, ऐसे वाला पाइप चाहिए। जब भी आप लोग को पाइप का लाइफ टाइम ज़्यादा मिलेगा, ज़रूरी एयर के साथ वाटर मिक्स होके आता है, इसलिए कार्बोनेट जनरेट होके साल्ट फॉर्मेशन होता है। आप लोग ध्यान से देखो, किधर उधर जाके आप ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाया, वो पैसा को जाके किधर उधर फेंकने का जरूरत नहीं। आप लोग को अच्छा मटेरियल को, बराबर क्वालिटी वाला मटेरियल को देख के खरीदना है। हमारा सिलिकॉन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसमें अंदर वाइट कलर कोटेड रहता है, सभी पाइप में मिलता है। ये वाला बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोग को, 10 साल हम लोग वारंटी देता है, क्योंकि हमारा पाइप को ये इतना क्वालिटी वाला मटेरियल हम लोग दे रहा है। इसमें 4 kg 6 kg 8 kg जो भी पाइप चाहिए आप लोग कंप्रेसर के साथ हम लोग को पूरा पाइप देता है, और अलग से आप लोग का पाइप चाहिए भी हमारा पास ऑर्डर कर सकता है, हम लोग ट्रांसपोर्ट में बेचता है। जो आप लोग इधर देख रहे हैं ये पूरा डीजल इंजन है। आप लोग को किधर जगह में आप लोग का करंट नहीं मिलता है, अभी सोलर डालने के लिए ज़्यादा महंगा लगता है सोचा तो, ये डीजल इंजन को खरीद के आप लोग डीजल इंजन में भी आप लोग को मोटर चला के, मोटर का जरूरत नहीं है, डीजल इंजन में कंप्रेसर चला के पानी निकाल सकता है। ये डीजल इंजन भी हमारा पास मिलता है, ये 6 HP 8 HP 10 HP, आप लोग को कितना बोरवेल चलाना, कितना डेप्थ है उसका हिसाब से हम लोग खुद सजेशन देता है। ये वाला मॉडल भी हमारा पास अवेलेबल है। जब आप लोग इधर देख रहे हैं, इधर 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है, एक ड्रिप पम्प लगा हुआ है। इसमें क्या होता था, आप लोग का 4 बोरवेल चलाना है और 2 बोरवेल चलाना। अभी ये एक कंप्रेसर 5 HP का लगा हुआ है, क्योंकि इसके कस्टमर के चाहिए 500 फीट से और 600-700 फीट से पानी निकालना, वो बड़ा वाला कंप्रेसर लगा हुआ है।
इधर छोटा वाला कंप्रेसर लगा हुआ है 2 HP का, क्योंकि इसमें 300 फीट में पानी निकलना, इसका हिसाब से हम लोग डिज़ाइन बनाया। ये 300 फीट से पानी निकलेगा, वो 600 फीट से पानी निकलेगा, लेकिन मोटर लगता है एक ही है, उसको स्टार्टर लगता है एक ही है, और इसको ड्रिप पंप को जाता है। अभी 2 कंप्रेसर में पानी निकल के टैंक को जाता है, और टैंक से ड्रिप पंप से पानी निकलता है। लेकिन हम लोग का कस्टमर को फ़ायदा क्या है, एक मोटर का पैसा बचता है, एक कंट्रोल पैनल का पैसा बचता है, लेकिन एक स्टार्ट चालू करता है। अभी फार्मर को होगा करंट 5 HP का होगा, बस वो तो एक ही मोटर चला सकता है, लेकिन एक ही मोटर में हम लोग 4 बोरवेल और 3 बोरवेल, मतलब ये 5 HP कंप्रेसर में छोटा बोरवेल 300-400 रहता तो 2 बोरवेल से पानी निकाल सकता है, लेकिन ये 2 HP कंप्रेसर में आप 300-400 फीट तक पानी निकाल सकता है। इसलिए ऐसे वाला सिस्टम बना के हम लोग कस्टमर को दिया। आप लोग को जो चाहिए उनका हिसाब से हम लोग को मटेरियल बना के देगा, डिज़ाइन बना के देगा। ये हमारा कंपनी का तरीका है, हमारा कंपनी का ये मटेरियल है, आप ये खरीद लो बोल के हम लोग कभी बोलता नहीं है। हम लोग कस्टमर को कैसे चाहिए उनका हिसाब से सस्ता में कैसे मॉडल बनाना, कैसे डिज़ाइन बनाना, वो डिज़ाइन हम लोग बना के देता है। जो भी इसका बारे में आप लोग को पूछना चाहता तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट करो, आप लोग बात करो, हम लोग पूरा सजेशन दे देगा। अभी आप लोग पहले देखा या 2 कंप्रेसर एक मोटर लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 मोटर एक कंप्रेसर लगा हुआ है। आप लोग सोचा होगा इस किसके लिए, आप लोग सोचता है तो आप लोग सिंगल फेस कनेक्शन रहता है, लेकिन आपका बोरवेल रहता है 600 फीट 700 फीट। अब 600-700 फीट में 3 फेस मोटर आता है 3 HP का ऊपर, सिंगल फेस मोटर आता है 3 HP का नीचे। आप लोग को अभी 600 फीट में निकालने के लिए ज़्यादा आर्स पावर चाहिए, इसलिए हम लोग 2 मोटर लगा हुआ है 3 HP का 3 HP का, एक मोटर फॉरवर्ड में घूमता है, एक मोटर रिवर्स में घूमता है। जब भी आप लोग को 6 HP का आर्स पावर मिलता है एक ही कंप्रेसर को, अभी एक कंप्रेसर से 700 फीट 800 फीट से हम लोग पानी निकाल सकते हैं। आप लोग का सिंगल फेस करंट रहता 5 घंटा, 3 फेस करंट रहता 3 घंटा। सो आप लोग सोचता मैं कैसे चलाऊँ, मेरे को पानी कंटिन्यू चाहिए, ऐसे तो सिंगल फेस मोटर ले लो, 2 मोटर के साथ एक कंप्रेसर बना हुआ है, आप लोग 24 आवर्स पूरा पानी निकाल सकता है। इसमें ये सेटिंग हम लोग नया डिज़ाइन बनाया, कस्टमर को हिसाब से जो भी मॉडल है सेम जैसा पहले मैं बोला हुआ है उसका हिसाब से आप लोग बनेगा डिज़ाइन अलग। अभी आप लोग देख रहे हैं ये कंप्रेसर पूरा ऑलरेडी असेंबलिंग करा के रेडी करा के रखेगा। आप लोग के पास जब भी चाहिए इमीडिएटली कॉल करेगा, हम लोग को रेडी पीस मिलेगा, इमीडिएटली आपको डिज़ाइन करके दे देगा। ये लगता है हमारा कंप्रेसर अभी दूसरा मॉडल है, ये लगता है LG वाला इक्वल मॉडल है। ये कंप्रेसर LG इक्वल मॉडल रहेगा, उसमें 2 HP और 5 HP और 7.5 HP, इसमें हेवी वाला कंप्रेसर भी मिलता है, हाई प्रेशर वाला और नॉर्मल वाला कंप्रेसर भी मिलता है। आप लोग को कितना बोरवेल डेप्थ है, कितना पानी निकलना, उसका हिसाब से हम लोग सजेशन देगा जो कंप्रेसर लगाना है। जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये सिलिकॉन कंपनी का मोटर है, 5 HP और 7.5 HP, सिंगल फेस और 3 फेस जो भी मोटर है हमारा कंपनी का बनता है। जो भी मटेरियल कस्टमर को दूसरा जगह से लेगा तो ये अलग कंपनी का ले लो, वो अलग कंपनी का ले लो, ऐसे बोलता है। पूरा मोटर और कंप्रेसर, HTP पाइप, कंट्रोलर पूरा सिलिकॉन कंपनी को देना हमारा एम है। जो फार्मर को और कितना सपोर्ट करना है उसका हिसाब से हम लोग बनाया। इसमें लो वोल्टेज मोटर भी है, आप लोग का लो वोल्टेज प्रॉब्लम रहता तो आप लोग बोल सकते हैं सर मेरे को लो वोल्टेज प्रॉब्लम है, हम लोग खुद ही सजेशन दे देगा ये लो वोल्टेज मोटर ले लो, नॉर्मल मोटर से 1000-2000 ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आपको लो वोल्टेज प्रॉब्लम आएगा भी कंटिन्यू चलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, जो किसको आपको मोटर चाहिए और कंप्रेसर चाहिए, अलग से चाहिए, सेट चाहिए, पूरा हमारा पास मिल जाएगा। आप लोग अभी देख रहे हैं इसमें देखो IPL रिंग्स लगा हुआ है, ये हम लोग का कंप्रेसर का इधर असेंबलिंग चलता है। जो हम लोग का कंप्रेसर का असेंबलिंग करने वाला पूरा 20-25 साल एक्सपीरियंस वाला है, इसलिए हमारा कंप्रेसर में इतना क्वालिटी हम लोग को वारंटी देता है इन लोग का हिसाब से। ये इसमें हम लोग का लगता है पूरा SKF बेरिंग, आप लोग देख सकते हैं ये इसमें पूरा SKF बेरिंग लगता है और स्टैंडर्ड वाला बेरिंग और IPL रिंग्स लगता है, वो स्टैंडर्ड LG का इक्वल वाला। और इसमें वो पिस्टन देख रहे हैं आप लोग का, वो पिस्टन पूरा LG का है, वो LG पिस्टन में कितना क्वालिटी रहता है, ये हमारा पिस्टन भी इतना क्वालिटी रहता है। वो आप लोग पूरा ये मटेरियल आप लोग सोचता है ये कंपनी किधर है कहाँ से मालूम नहीं है, हम लोग का मटेरियल का भरोसा मिलेगा नहीं मिलेगा आप लोग ज़्यादा सोचा होगा, इसलिए आप लोग का पूरा ये देखा रहा हूँ। हम लोग जो लगाता है वो अच्छा वाला क्वालिटी मटेरियल लगाता है, हमारा स्टाफ पूरा 20-25 साल एक्सपीरियंस वाला है। जो कंप्रेसर पूरा असेंबलिंग होने के बाद हम लोग एक बार लोड टेस्ट करता है, फिर कंप्रेसर को मटेरियल डिस्पैच करने टाइम फिर एक बार लोड टेस्ट करता है। 2 बार पूरा टेस्टिंग पास हो गया तो हम कस्टमर को मटेरियल पहुंचेगा, जब भी टेस्टिंग में पास नहीं होगा वो कंप्रेसर को हम कभी भी बेचता नहीं है कस्टमर को। ये हमारा कंप्रेसर का असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, जो मटेरियल पूरा क्वालिटी वाला मटेरियल है आप लोग का, इसलिए लोग इसका बारे में जानना होगा तो इमीडिएटली कॉल करो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है। अभी आप लोग देख रहे हैं इधर कंप्रेसर लगा हुआ है 2 HP का कंप्रेसर, मोटर लगा हुआ है 3 HP का, उसको
का कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इसमें तो आप लोग का बोरवेल में कैसे पानी आ रहा है अभी देखेंगे। अभी आप लोग पहले देखा ना वो कंप्रेसर मोटर चल रहा है, 2 HP का कंप्रेसर और 3 HP का मोटर, उनके लगता है एक एयर होस लगता है, उसमें पाइप लगा हुआ है 1.5 इंच का पाइप लगा हुआ है। ये आप लोग देख लो, इधर एक एयर होस लगा हुआ है, ये पानी कैसे आ रहा है आप देख सकते हैं। अभी आप लोग जो देख रहे हैं 4 इंच का पानी निकलता है ये सिंगल का, पहले आप लोग वीडियो में देखा होगा वो डबल पानी निकलता डबल आउटलेट का, ये सिंगल आउटलेट का पानी निकलता 4 इंच का, कितना पानी अच्छे से आता है आप लोग देखो। जो आप लोग सिंगल आउटलेट का देखा हुआ है, ये हमारा लगता है पानी 40 मीटर और 50 मीटर 60 मीटर को हमारा पानी सीधा फ्लोट में जाता है, वो वर्टिकल में आने के बाद वो ऐसे वाला सिस्टम है ना, इसको डमी सिस्टम बोलता है। ये वाला क्या करता था, ऐसे वाला पीवीसी पाइप लगा के ये डमी सिस्टम लगा के आप एयर को पूरा इधर रिलीज़ कर देगा, आपको 150-200 मीटर के ऊपर लॉन्ग ट्रैवल में सेम पानी का आउटलेट कंटिन्यू मिलना है। आप लोग ऐसे वाला सिस्टम बनाएगा तो आप लोग को वो मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप लोग को एक 20 फीट और 30 फीट में 10-10 फीट का पानी ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए ये सिस्टम बना हुआ है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ है ना, आप लोग सोचेगा ये फार्मर के लिए बनता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ये काम हो जाता है, ये घर के लिए काम ना हो, लेकिन ये चीज़ घर के लिए बनाता है हम लोग, जो एग्रीकल्चर के लिए भी होता है, ये घर के लिए भी हम लोग पानी निकाल सकते हैं। आप लोग 1 इंच चाहिए और 1/2 इंच चाहिए भी पानी निकाल सकते हैं, ये घर के लिए अलग से बना हुआ है, ये SS मटेरियल है और इसको आराम से आप लोग पानी निकाल सकते हैं। आप वाटर होस चाहिए, एयर होस चाहिए, 300 फीट 500 फीट कितना चाहिए वो घर के लिए बना हुआ है, ये चीज़ घर के लिए बना हुआ है। और इसमें लगता है ये 500 फीट का अंदर, हमारा पास जो होता है 3 मॉडल का होता है, एक 500 फीट का अंदर जो भी रहता है एक मॉडल रहता है, और 1000 फीट से 500 को बीच में जो भी होता है वो एक मॉडल रहता है, और एक मॉडल 1000 से 1500 लगता है, इनका बीच में जो भी हो, आपको सोचो 1200 और 1300 जो भी होता था उसका एक मॉडल लगता है, इसलिए ये पहले वाला मॉडल है, ये 500 फीट के लिए बना हुआ है। ये लगता है एयर होस लगा हुआ है, ये वाटर होस 1 इंच का लगा हुआ है, इसमें से आप लोग को आराम से पानी 1 इंच का पानी निकल सकता है। ये सिस्टम वेरी सिंपल मॉडल है, इसके अंदर कुछ भी बेयरिंग नहीं है और कुछ भी स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, जो भी चीज़ इसमें खराब होने के लिए चांसेस आप लोग का नहीं है। आप लोग इसमें डाल दिया, आप लोग 15 साल से 10 साल आप लोग आराम से इससे पानी निकाल सकता है, कुछ भी खराब होने के लिए चांसेस नहीं है। और आप लोग तीसरा वाला देख सकता है, ये 1000 फीट के लिए बना हुआ है, 1000 फीट में 4 इंच बोरवेल के लिए बना हुआ है, जब भी 4 इंच बोरवेल के लिए इनका डायमीटर लगता है 3 इंच और 3.5 इंच, इसमें से आप लगा हुआ है, इसमें 1/2 इंच का एयर होस लगा हुआ है और इसमें 3/4 इंच का वाटर होस लगा हुआ है, इससे आप लोग आराम से पानी निकाल सकते हैं। और चौथा, इसमें चौथा में आप लोग देखता है इसमें 1.5 इंच का आउटलेट लगा हुआ है और 1/2 इंच का एयर होस लगा हुआ है। आप लोग सोचता है तो 1/2 इंच का एयर होस मेरे को ज़्यादा एयर होस चाहिए बोले तो आप लोग 5/8 भी डाल सकता है और 1/4 भी डाल सकता है और 1 इंच भी डाल सकता है, लेकिन आप लोग का बोरवेल में कितना पानी चाहिए, बोरवेल का डेप्थ कितना है, उसका हिसाब से हम लोग खुद सजेशन दे देगा। आप लोग का कुछ ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं, आप कल ही कॉल करने का, हम लोग को बताने का, हम पूरा डिटेल सिखा देगा। जो आप लोग ये देख रहे हैं ये एक्सेसरीज एक्सलरी पम्प बोलता है, ये एक्सलरी पम्प क्या करता था, ज़्यादा आदमी सोचता था मेरे को पानी कम रहता, जब भी बारिश होता था पानी पूरा भर जाता है, मेरे को उसी टाइम पानी खींचने के लिए बहुत तकलीफ होता बोलता है। ये तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोग ये नया डिज़ाइन बनाया, जब भी आप पम्प खरीदने के टाइम में ये एक्सलरी पम्प एडिशनली डाल देगा ऊपर से, ये क्या करेगा उनसे, और आपको पानी ऊपर भी आने दो आप नीचे भी जाने दो, जो भी प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें आराम से पानी निकाल सकता है, ये लगता है एक्सलरी पम्प जी। और इसमें आप लोग देख रहा है नेक्स्ट मॉडल है, इसमें डबल आउटलेट मॉडल बोलते हैं, मतलब आपको पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन इनलेट तो एक ही रहता है, लेकिन आउटलेट देखो डबल रहता है, इसमें 1 इंच का 1 इंच का 2 आउटलेट डाला हुआ है, इसमें 2 इंच का पानी निकाल सकता है। आप लोग क्या सोचता है अभी कम पानी में निकलेगा, यही मैं पहले बोला था वो सबमर्सिबल में एक होस में एक ही पानी निकाल सकता है, लेकिन ये हमारा में एक ही फुटबॉल में 2 आउटलेट में आपको 2 इंच चाहिए और 4 इंच का 2 डालेगा 2.5 इंच का पानी निकाल सकता है। आप लोग का यील्ड कितना अच्छा रहता है उसका हिसाब से आपको 4 ही घंटा करंट रहता है, आप बैलेंस टाइम में पूरा करंट बंद रहता है। आप लोग का सोचता मेरे को ज़्यादा पानी चाहिए मैं कैसे निकालूँ, आपको टेंशन नहीं छोड़ो, इधर देख लो आप लोग का पूरा नया मॉडल बना हुआ है, 4 घंटा चलाएगा भी आपका 2.5 इंच का पानी निकाल सकता है, पूरा पानी आपको आराम से खींच लेगा। और ये मॉडल बना हुआ है सेम सिस्टम में,
इसमें लगता है 8 इंच बोरवेल के लिए 6 इंच का फुटवाल बना हुआ है। ये क्या क्या किधर किधर आप लोग का पानी ज़्यादा निकलना, आप लोग मतलब ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, PWD हो, उधर जगह में बोरवेल का साइज़ बड़ा रहता है, इनका ज़्यादा पानी निकलना, इसलिए हमको ऐसे बनाया, 1.5 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, 2 इंच का, ऐसे भी बना सकता है। ये मॉडल ऐसे लगता है डबल आउटलेट और फुटवाल, इनका 8 इंच का 1500 के लिए बना हुआ है ये, इसलिए उनका एक्सलरी पंप पहले हम लोग देखा, वो सेम मॉडल ये लगता है, ये वाला मॉडल ऐसे लगता है। और इसका आप सोच लो ऐसे किधर भी आप लोग का और 2 इंच से ज़्यादा पानी चाहिए, आप 2-2 इंच का, 4 इंच का लगा हुआ है, इसमें आराम से 10 HP कंप्रेसर और 10 HP मोटर और हेवी प्रेशर कंप्रेसर लगा के आराम से पानी खींच सकता है। इससे आप लोग का फिर बोलता हूँ, इधर जो भी स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, आप लोग का इसके अंदर बेयरिंग नहीं है, कुछ मेंटेनेंस का कास्ट नहीं लगेगा, आप एक बार लगा दिया दो, आपको साल्ट कंटेंट इसमें नहीं लगेगा। पहले मैं बोला था ये वाटर होस में सिलिकॉन कोटर लगा हुआ है, ऐसे इधर पे भी हम लोग का ऐसे कोटिंग है ना, ये SS मटेरियल है ना, इतना अच्छा से बना हुआ है, आप लोग का 5 ईयर्स हम लोग वारंटी देता है, क्योंकि हम लोग का इतना कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर। आप लोग 10 साल से 15 साल इसमें एक बार लगा दिया, कुछ भी खराब होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें साल्ट वाटर और मिट्टी जो भी आएगा ना, इसमें सबमर्सिबल में जो मिट्टी आता है, जो मिट्टी आएगा सबमर्सिबल में इंपलर में खराब होता है, प्रेशर में इंपलर खराब होता है, डूम भी खराब होता है। एक बार इंपलर चेंज करने से ऊपर उठाना पड़ेगा, आपको 10,000 से 15,000 आसपास में खर्चा होगा, लेकिन ये पाम का कास्ट है वो इंपलर के कास्ट से बहुत कम पैसा वाला है। आप इससे लगता है आपको इंपलर में कितना खराब होता है और सोचेगा मेरे को इसमें बार बार कुछ निकना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, ऐसे सोचना नहीं है। ये बहुत आपको सबमर्सिबल से बहुत कम पैसा में और बहुत ज़्यादा पानी निकालने के लिए काम हो जाता है। नमस्कार, दिस इज प्रोफेसर मूर्ति सेल्वकुमारन, सेल्कान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ईरोड கரூர் ரோட், கணபதிபாளையம், தமிழ்நாடு. So we are doing a very wonderful innovative water pumping, that is replacement of submersible motor. The submersible motor is very costly, problematic, and every time almost 10% of the customers are losing the motor inside the borewell, because this is a very alternative to the submersible motor. This is very cheap, very cheap means only 70% cost, and you are getting more water, that is 30% extra water compared to the submersible motor, that is tested by government of Tamil Nadu and government of Kerala, and we are successfully selling 33 models of footballs. These are 33 models of footballs, right from a house model, 500 feet, 1000 feet, 1500 feet, and axillary pump. If you want to pump from 1500 feet, you can use a pump, axillary pump. This is to be placed at the 700 feet, and this is to be the 1500 feet. And very most important thing is the double pumping. You are getting water in two pipes. That is 30% extra water compared to submersible motor, and it is cheap and best. We are retaining 10 to 20 years maintenance free. There is no repair at all. So only thing is you have to maintain oil regularly, every month or every 6 months you have to replace the oil only. And here very important thing is this is a 4-inch delivery water pump. If water is more than 3 inches, 4 inches, you can use this pump, because this is 2-inch, another 2-inch. These are only one water inlet and two water outlet. So we are getting 4 inches water delivery. This is completely patented by Government of India. Next 20 years, no one able to do the thing. Already, is a, if you want to do duplicate means, we are make the legal action against them. So this is a very wonderful technology that is very very innovative thing for farmers. This is well most accepted by the farmers. Already we are reaching whole Tamil Nadu and Karnataka. Now see few parts of Telangana and Andhra Pradesh. Now we are going to move into North India, particularly Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, and so many other northern countries. So, and also we are sending exporting to US and Dubai, some countries. So, we are expecting very good response from the North Indian farmers. So, it's very, very useful. It is those kind of farmers are facing problem of submersible motor. They are losing the motor, sand mixing, sand, low voltage problem, and dry run problem. All problems are sorted by our Selkan motors. So, once again, welcome all farmers to Selkan Industries Private Limited, Tamil Nadu. जो आप लोग देख रहा है अभी, इसमें कंट्रोल पैनल्स है हमारे पास, जो कंट्रोल पैनल भी बनता है मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल स्टार्टर भी बनता है, ये सिंगल फेस कंट्रोल पैनल है। और इसमें सिंगल फेस कंट्रोल पैनल के बाद आप लोग इधर देख रहे हैं, ये 3 फेस कंट्रोल पैनल है, इसमें लगता है ये LCD मॉडल, इसमें लगता है LED मॉडल। ये LCD मॉडल है ना, अराउंड 12 से 13 फंक्शन काम करता है, ये LED मॉडल अराउंड से 9 फंक्शन काम करता है। और इसमें इधर देख रहे हैं आप लोग, ये 2 फेस 3 फेस का DOL स्टार्टर है। अब इधर देख रहा है ये 2 फेस 3 फेस का स्टार डेल्टा, मतलब 6 वायर लगता है, इसमें 3 वायर लगता है।
और इसमें आप लोग देख रहा है मोबाइल स्टार्टर है, मोबाइल स्टार्टर और सिंगल मोटर कंट्रोल करने के लिए। इससे आप नीचे देख रहा है मोबाइल स्टार्टर फॉर टू मोटर्स, हम लोग का यह नया सिस्टम बनाया, दो मोटर में भी मोबाइल में आप लोग कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आप लोग नया सिस्टम बनाया। और आप लोग अच्छा से इस मटेरियल का बारे में जानना होता तो हम लोग का कॉल करो, और इससे आप लोग इंडिविजुअली मोबाइल स्टार्टर चाहिए हमारा पास मिलेगा, आप इंडिविजुअली टू पेज थ्री पेज स्टार्टर चाहिए मिलेगा, और सिंगल पेज से थ्री पेज कन्वर्ट करना है वो भी हमारा पास मिलेगा, और सिंगल पेज स्टार्टर भी मिलेगा, थ्री पेज स्टार्टर भी मिलेगा। आप हम लोग मोटर के साथ इसको क्यों सजेशन करता है, ज़्यादा आदमी सोचता है मैं स्टार्टर लगाएगा नॉर्मल स्टार्टर मोबाइल ये कंट्रोल पैनल क्यों लगाने का, लेकिन ये कंट्रोल पैनल लगाएगा ना आप मोटर का 30% इनका लाइफ टाइम का ज़्यादा मिलता है, जो वोल्टेज अप एंड डाउन होता है और इनबैलेंस वोल्टेज होता है और इनका ड्राई रन होता है वो सब कुछ प्रॉब्लम ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आप लोग मेजरली जो भी खरीदता दो ये मोबाइल स्टार्टर का और कंट्रोल पैनल का क्यों सजेशन करता है, ये आप लोग का सोचता है ये मैं 7000-8000 क्यों खर्चा करो, ऐसे मत सोचो, वो आप लोग सोचना चाहिए जो मेरा मोटर का लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए, एक बार मोटर फेलियर हो गया आप प्रिवेंटिंग के लिए 10000 खर्चा करेगा, इसे अच्छा आप ये वाला खरीद लो कंट्रोल पैनल ले लो, पूरा आप लोग का इसमें पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ये फिर बोलता हूँ आप लोग का मोटर के साथ ये पूरा देता है सेट, और अलग से भी हमारा पास ये मिलेगा, इंडिविजुअली स्पेयर पार्ट चाहिए भी हम लोग को बेच सकता है। जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये ओपन वेल पंप के लिए, जो ओपन वेल पंप है ना ये वाला आप लोग नया सिस्टम बनाया, डीजी मोटर में आया, ये लगता है 3 इंच का पानी आउटलेट है, इसका ड्राइव है। अभी इसमें क्या करता था, अभी ओपन वेल पंप डीजी मोटर आप लोग एसी करंट में भी चला सकता है, डीसी करंट में भी चला सकता है, हम लोग का पास वो सोलर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो आप लोग का सोलर में चलाना है वो हम लोग सोलर में भी देता है, और एसी करंट में चलाना और एसी में भी देता है। ये ड्राइव सिस्टम क्या करता था, अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल करता था, जब भी आप लोग आर वाई बी वायर कनेक्शन को आप गलत में दे दिया आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, इसमें अंदर सेंसर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करा के आपको फॉरवर्ड में लेके जाएगा, और इसमें कुछ भी आप लोग का प्रॉब्लम होने के लिए चांसेस नहीं है, वेरी सिंपल मैकेनिज्म है, आपको कुछ सीधा इधर आएगा आप हाथ से उठा के लेके जा सकते हैं, इसके लिए कुछ ज़्यादा वाला काम नहीं है। आप लोग ऐसे देखो ये वाला ओपन वेल पंप के लिए लगा हुआ है, इसमें 3 इंच चाहिए 4 इंच चाहिए वो भी पानी मिल जाएगा, ये वाला सिस्टम अभी नया मॉडल में आया डीजी में आया। और अभी आप लोग ये देख रहा है ये वाला BLDC मोटर है, ये वाला भी नया सिस्टम आया, इसका नीचे ये मोटर लगा हुआ है, ये फिल्टर के ऊपर पानी खींचेगा ये ऊपर पानी आएगा, ये 24 इंच का आउटलेट लगा हुआ है, इसमें भी सोलर लगा हुआ है, इससे क्या एडवांटेज होता था आप लोग एक घंटा में 25,000 लीटर पानी निकाल सकता है, वो स्पीड का हिसाब से मोटर बनता है, जो मोटर का हिसाब से सोलर बनाता है। आप लोग 3000 वाट्स मोटर लेता तो आप BLDC के 3000 वाट्स मोटर लेता तो उनका आपको 3900 वाट्स का सोलर पैनल का जरूरत पड़ेगा, वो भी हम खुद बना के देता है। अब कल ही बताने का आपका बोरवेल डेप्थ कितना है और कितना इंच का पानी चाहिए, घंटा में कितना लीटर पानी चाहिए, उसका हिसाब से हम कुछ सजेशन दे देगा, सस्ता में क्या लगाने का और अच्छा वाला क्या लगाने का, उसमें आप लोग का ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं, ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कल ही हम लोग को कॉल करना, हम कुछ सजेशन दे देगा। इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें कुछ भी मटेरियल जाके अंदर फंस गया नीचे से और ऊपर पानी नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके मोटर रिवर्स में घूमेगा, जब भी वो रिवर्स में घूमेगा जो मट्टी और पत्थर और प्लास्टिक पेपर जो भी जाम हो गया वो नीचे गिर जाएगा, वो फिर से पानी को ऊपर खींचेगा, ये वाला एडवांटेज सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और ये लगा हुआ है स्टेज पंप, वो आप लोग पहले वाला मॉडल देखा होगा डीसी मोटर में स्टेज पंप बना हुआ है, वो पुराना मॉडल में एसी में आता था स्टेज पंप, एक स्टेज को 20 फीट को पानी ऊपर उठाता है, ये आप लोग मतलब 200 फीट होता तो ऐसे वाला स्टेज पंप डाल सकता है, इसमें भी डीसी मोटर लगा हुआ है सेम ही सिस्टम में, ये इसका आप लोग का पूरा सोलर पैनल और इनका केबल और इनका आशीर्वाद पाइप जो भी चाहिए हमारा पास सस्ता में मिलेगा, आपको दूसरा जगह में मैं कर लूँ वो मोटर के साथ इनके पास आएगा ऐसे नहीं सोचने का, और मोटर और केबल और वाटर वॉश और इंस्टॉलेशन पूरा हमारा आदमी खुद करा के दे देगा, आप लोग का जो भी खरीदने का जरूरत नहीं, आप लोग कल ही बताने का ये मेरे को चाहिए बस, आप एडवांस डाल दीजिए हम लोग रेडी कर देगा मटेरियल को पूरा, आपको जगह को डिस्पैच कर देगा, बस इतना है। तो किसान भाई अगर आपको सेलकोन एयर पंप के बारे में ज़्यादा जानना है तो बस आपको कंपनी के पास कॉल करना है, बाकी जानकारी वो आपको देंगे, आपको किस प्रकार का जो एयर पंप है वो सूटेबल होगा आपकी ज़मीन पे, किस राज्य से आप बात कर रहे हैं, सभी चीज़ें आपको फ़ोन पर समझा दी जाएगी, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनकी टीम हर वक्त जो है फ़ोन पर बैठी रहती है, आपको बस कॉल करना है और इन सेलकोन के एयर पंप को अपने घर तक मंगवाना है। तो इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको बाकी ज़्यादा जानकारी लेनी है इसके बारे में तो सेलकॉन कंपनी के यूट्यूब चैनल पर जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने मेंशन किया हुआ है टाइटल के आगे, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा सेलकॉन कंपनी के चैनल पर आप पहुँच जाओगे। तो वहाँ पे आपको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।